नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान की और राजनीतिक गणित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, तो उसके बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि नार्वेकर जानबूझकर देरी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें समय सीमा तय करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देरी की गई, जिसकी वजह से एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि निर्देश दिया जाना चाहिए कि निर्णय एक तय समय सीमा के भीतर लिया जाए, इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। अब यही रुख शिवसेना का भी है। दरअसल विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में स्पीकर की तरफ से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को कहा कि इसे अगले चुनाव तक नहीं लटकाया जा सकता, हम 2 महीने में निपटारे का आदेश देंगे, आप हमारे आदेशों को विफल नहीं कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वाली सरकार 72 घंटे में गिर जाएगी, मैंने पहले भी ये बात बोली है लेकिन अब समय आ गया है भैया। उन्होंने आगे कहा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को आईसीयू में डालकर बचाने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि विधानसभा अध्यक्ष खुद आईसीयू में चले गए हैं। इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि स्पीकर अब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, उन्हें तय समय सीमा में काम करना होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ फिर से सख्त आदेश दिया है, जिससे पता चलता है कि वो जानबूझकर 1.5 साल पहले शिवसेना विभाजन पर फैसले में देरी कर रहे हैं। अब आपको महाराष्ट्र का थोड़ा सियासी गणित समझाते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र के कुल 288 विधायकों में से बीजेपी के 105, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 41, अजीत पवार की एनसीपी के 40 और अन्य के 18 विधायक हैं। ऐसे में सरकार के पास कुल 204 विधायक हैं। वहीं मौजूदा समय में कांग्रेस में 45, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16, शरद पवार की एनसीपी के 12 और अन्य के 11 विधायक हैं। ऐसे में विपक्ष के पास कुल 84 विधायक हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस यानी CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने किसी को विधानसभा अध्यक्ष में ये सलाह देनी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समय सीमा के बारे में कोर्ट को अवगत कराने को कहा। कोर्ट ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताएं। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के विधायक सुनील प्रभु ने पिछले साल शिंदे और 15 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। वहीं इसी साल जुलाई में अजीत पवार और 8 अन्य एनसीपी विधायक महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए थे। इसके बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अजीत पवार और उनका समर्थन करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर स्पीकर नार्वेकर के समक्ष याचिका दायर की थी। बाद में अजीत पवार गुट ने भी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद महाराष्ट्र की सियासत के खेल में कौन सा नया मोड़ आता है। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।